हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइज, आज जो रीजनिंग का वीडियो है, ये जो फाइव फिगर एक साथ है, दिख रहा है आपको? और ये जो फाइव फिगर के वीडियोस का बहुत सारी कैंडिडेट्स जो है वेट कर रहे थे कब इसका मॉक टेस्ट आया। ठीक है, तो चलिए, मैंने ऑलरेडी पार्ट वन और पार्ट टू नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रोवाइड कर दिया आपको। ठीक है, जिसमें चार फिगर वाले क्वेश्चन थे। अगर आपने देखा नहीं है तो जाके प्लेलिस्ट में से देख लीजिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप लोग एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई, बाकी जो एमआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बुक सजेस्टेड है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं उन बुक्स के बारे में। ठीक है, चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम मुद्दे पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि देख सकते हो, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है। और कहीं अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीच में नहीं बोलूंगा, अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। ये ऑलरेडी क्या है, चार बॉक्स दिए हुए हैं और पांचवा में पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जब चारों बॉक्स है चतुर्भुज है, फोर साइडेड मतलब फिगर है, जाहिर सी बात है कि इसमें भी क्या होगा, एक चार भुजा वाली आकृति होगी। ये आपका ऑप्शन है, इसमें उसको एक होगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें गाइस, ये जो एरो है ये घूम रहा है और ये जो यू आकार का यू शेप का जो फिगर है वो भी घूम रहा है। तो किस तरीके से ये दोनों घूम रहे हैं, इन दोनों पर हम लोग काम करते हैं। पहले देखो, पहली बात तो ये जहां भी है, पहले ये बाहर साइड में है एरो, अब दूसरे वाले में अंदर साइड में है एरो। ठीक है, तीसरे में बाहर साइड से निकला हुआ है, चौथे में अंदर है। तो जाहिर सी बात है, पांचवे में क्या होगा, बाहर की साइड से होगा, या फिर यहाँ हो या यहाँ, चाहे यहाँ या फिर यहाँ, कहीं भी होगा बाहर साइड से होगा। तो अब देखो, बाहर साइड किस में है, तो चारों के चारों में बाहर साइड से है। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे अलग करते हैं। अब यू शेप को देखो, यू शेप भी कैसे है, और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो एरो है ये घूम कैसे रहा है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। मैंने पार्ट वन में आपको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज इसका मतलब बताया था। क्लॉकवाइज क्या हुआ, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई जो है कैसे घूमती है, इधर घूमती है। ठीक है, क्योंकि 12 यहाँ पर आता है, 1 2 3 4 इस तरीके से घूमती है, ये क्लॉकवाइज होता है। लेकिन ये जब भी उल्टा घूमेगी तो इसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब ये जो एरो है, देखो पहले यहाँ पे है, फिर देखो यहाँ पे आया। ठीक है, ये कैसे घुमा, यहाँ से इधर गया, ये कैसे जा रहा है, लेकिन घड़ी घूमती है इधर से इधर, ये तो कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। अब देखिए, पहले इस वाले पे था, ठीक है, दूसरे नंबर यहाँ गया एंटी क्लॉकवाइज, तीसरे वाले घूम के कहा, तो तीसरे वाले में देखो यहाँ पे आया, चौथे वाले में यहाँ पे आया, और पांचवे वाले में कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आएगा पांचवे वाले में, मतलब इस बॉक्स में यहाँ पे होगा, और किस साइड से होगा, ये बाहर की साइड से होगा। अब देखो ये फिगर किस में है, एक सी ऑप्शन में है और एक ए ऑप्शन में है। लेकिन इतना सही काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पे ए और सी में दोनों दिया हुआ है। तो और डिफरेंस क्या है, ये देखो यू शेप जो दिया हुआ है, पहले देखो ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ के बाद देखो यहाँ आया, ये ऑलरेडी ऐसे घूम रहा है ना। लेकिन गाइस देखो, क्लॉकवाइज तो घूम रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ जो है इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्लॉकवाइज के सामने मतलब यहाँ पे, अगर यहाँ पे आया ये पीछे की तरफ आया, तो इसे कैसे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन दूसरे वाले फिगर में देखो ये कैसे है, इस तरीके से है। ठीक है, ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर दे रहा है। आप देखो, इसके बाद जब ये वाला यहाँ पे आया तीसरे फिगर में, तो इसे ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन ये कहा ऐसे है, मतलब अपना जो है डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये आएगा तो इस तरीके से आएगा ना, लेकिन पलट किसे कैसे लिखना होगा आंसर में, ये ऊपर की तरफ, ये आएगा नीचे, लेकिन आंसर में उसे पलट के देना होगा। ठीक है, जो कि हर एक क्वेश्चन में आ रहा है, तो ये जो इस तरीके से होगा, देखो ये आपका ए में है, लेकिन सी में जो है आपका ये नीचे की तरफ है, जो कि नहीं होगा, इसको डायरेक्शन में पलटना होगा, ये ए इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक फ्लैग शेप में है कुछ फिगर है, ठीक है, मतलब झंडे के आकार में एक फिगर दिया हुआ है आपके पास में है। लेकिन इसके साथ क्या है, जैसे ये नेक्स्ट पे जाता है तो एक एक इसके साथ डॉट बढ़ते जाता है। देखो यहाँ पे एक डॉट थे, यहाँ पे दो डॉट, यहाँ पे तीन डॉट, जाहिर सी बात है नेक्स्ट वाले में जो होना चाहिए चार डॉट। अब एक डॉट कहाँ बढ़ेगा ये देखो, क्योंकि सभी में देखो इन तीनों में चार चार डॉट है, तो जाहिर सी बात है कि कौन सा में होना चाहिए, कहाँ पर ये डॉट होना चाहिए, तो इन सभी में डॉट जो है अपनी जगह पर ही है, सेम जगह पर है तीनों में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या डिफरेंस है, देखो पहले में जो फिगर है ये दूसरे तीसरे चौथे और ये सभी में क्या है, सेम जगह पे है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। तो जाहिर सी बात है ये फिगर पहले ऐसे होना चाहिए, ये अपनी जगह पे होना चाहिए, पहला डॉट जो इसमें यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, अब चौथा कहाँ जुटेगा, तो यहाँ पे जुटेगा। ठीक है, अब देखो ये फिगर किस में दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको ये किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, तो दो का डी, ये तो क्वेश्चन ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, पहले देखो
दो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे साइड, मतलब या फिर एक एरो है एक वाले में और एक ही में डॉट लगा हुआ है, दो मतलब डंडी है, बोलो मतलब है फ्लैग स्टैंड है, इसमें क्या है, एक में डॉट लगा हुआ है और एक में एरो लगा हुआ है, और ये दोनों जो है अपना जगह चेंज कर रही है, लेकिन किस तरीके से चेंज कर रही है, ये दो चीज़ें जो है एक दूसरे से कुछ जुड़ी हुई है, और ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। या फिर आप बनाने का दूसरा तरीका देखो, इसको छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो ये, या इन दोनों को देखो, ठीक है। इन दोनों के बाद फिर अगला सीरीज हमारा ये वाला होगा, ठीक है। एक स्टेप मान लो छोड़ के हम चलते हैं ये वाला, तो फिर इसके बाद अगर एक स्टेप छोड़ते हैं तो डायरेक्ट ये वाला हमारा होगा जिसमें हमारा आंसर पूछा जा रहा है। तो अब देखो, ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, पहले यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद इसमें कहाँ पे आया, ये जस्ट यहाँ पे आया। अब देखो ये कैसे यहाँ पे आया, पहले ये हमारा चार साइड है, ठीक है, चारों साइड पे रहना चाहिए, तो जाहिर सी बात है पहले साइड पे यहाँ आया, दूसरे साइड पे यहाँ, तो तीसरे साइड पे यहाँ जो होना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए, ये तो एक हमें मिल गया, यहाँ पे आना चाहिए। अब देखो इसमें जो एरो है इस कॉर्नर पे है, इसमें जो इस कॉर्नर पे आया, इस साइड से बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है इसमें जो ये इस कॉर्नर पे आया, ठीक है। ये जो बहुत ही इजीली आप ऐसे करके इसे बना सकते हो, क्योंकि अगर इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, इन दोनों का हमें कोई काम नहीं है, एक सीरीज छोड़ के अगर बनाते हैं तो बहुत जल्दी बनता है। बनाने का रीजनिंग बहुत सारा तरीका होता है, कौन सा जल्दी बनता है वो आपको देखना है। तो जाहिर सी बात मैंने क्या बताया, पहला नंबर तो ये वाली जो फिगर आएगी आपकी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे, और ये जो एरो है इस कॉर्नर पे आएगी। तो अब देखो ये वाला फिगर आपका किस में आ रहा है, तो ये वाला फिगर जो गया आपका ये ए में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए, और इसका PDF अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं PDF धीरे दे देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहेगा, देखिए ये जो है इस सभी में क्या है, चार चार एक तरीके से त्रिभुज दिए, सॉरी छः छः त्रिभुज, आठ त्रिभुज है, तीन चार पाँच छः, छः त्रिभुज है, सॉरी यहाँ पे मैंने काउंट नहीं किया, तभी काउंट कर रहा हूँ आपके सामने, छः त्रिभुज है इन चारों के अंदर, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर भी एक ऐसा ही फिगर बनेगा जिसके अंदर छः त्रिभुज होने चाहिए, जो कि आपका ऑलरेडी ऑप्शन में भी छः त्रिभुज के साथ दिया हुआ है। तो देखो ये जो डॉट का कमाल है यहाँ पे, बस डॉट जो अपना जो है पोजिशन को चेंज कर रहा है, पहले यहाँ पे है, फिर देखो यहाँ पे आया, मतलब यहाँ से यहाँ पे आया, मतलब एक घर छोड़ के आया, ठीक है। फिर देखो यहाँ से ये कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, मतलब ऑलरेडी यहाँ था, यहाँ से ये यहाँ गया, मतलब दो घर छोड़ा है। फिर देखो ये कहाँ पे आया, यहाँ था पहले, ठीक है, पीछे वाले में, उसके बाद यहाँ पे आया, मतलब तीन घर छोड़ा। तो जाहिर सी बात है कि इस वाले बॉक्स में जो होना चाहिए चार घर छोड़ना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर जब है तो चार घर छोड़ेगा, एक दो तीन चार, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे किस फिगर में है, तो ये रहा ये वाला फिगर में, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब एक एक बॉक्स ज़्यादा छोड़ते जाना, जो कि आपका डी में है। चलिए, ये आपका आंसर निकल गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, ये एक शेप है, ठीक है, जो कि चारों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, प्लस में जो ये वी शेप है और ये एक एरो है, इसमें वी शेप और एरो, वी शेप एरो, ये सभी जो है इधर उधर हो रहे हैं, जो कि दिमाग खराब कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो फिलहाल इनको भूल जाओ, ये जो भी शेप है और ये जो एरो है भूल जाओ, बचा कौन सा डायरेक्शन हमारे पास, ऐसे करके कुछ डायरेक्शन बचता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ डायरेक्शन हमारे पास बचता है, क्लियर। अब देखो इसका एंगल को चेंज करो, पहले ये जो ये वाला पार्ट है, मतलब इसका ये वाला पार्ट है, ये देखो अब यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया है, ये कैसे घूम रहा है पता है आपको, ये मान लो आपका एक ग्राफ का मतलब एक्सिस बनाते हैं, ये आपका है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स डैक्स वाई वाई डैस। अब ये जो अभी एक एक्सिस पे है, मतलब ये क्या है, ये बिल्कुल भी 0 डिग्री पे है, ठीक है, ऐसे मान लो। फिर यहाँ पे आया, मतलब क्या, ये यहाँ पे आया, इस मतलब तिरछा हुआ, तो ये कितना हुआ, 45 डिग्री पे आ गया, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले में जो है बिल्कुल भी स्ट्रेट हो गया, मतलब ये जो है 90 डिग्री पे आ गया। और फिर ये देखो ये फोर्थ वाले में यहाँ पे आया, मतलब ये फिर इन दोनों के बीच में क्या बना रहा है, ये फिर 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, फिर इस वाले एंगल की अपेक्षा 45 डिग्री मुड़ रहा है, मतलब हर बार ये 45 डिग्री मुड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें जब 45 डिग्री मुड़ेगा तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एक्स डैश ऐसी एक्सिस के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल पूरा तरीके से यहाँ से लेके पूरी तरीके से पलट के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि इस वाले से लेके 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, या फिर मानो ऐसे ये जितने डिग्री का मुड़ रहा है 45 डिग्री, अगर हम सिर्फ मुड़ाते हैं यहाँ से यहाँ तक इसको, तो इसका ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल भी यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। अब देखो ये मुड़ेगा जब यहाँ पे, तो ये जो पार्ट होगा ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, समझ में आ रहा है, ये कैसे रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा, जो भी शेप रहेगा आपका ऊपर रहेगा, और साथ में ये जो कॉर्नर चेंज हो रहा है, तो इसे में कोई मतलब नहीं है,
सिर्फ हमें यही देखना है कि जो वी शेप अगर हमें ऊपर की तरफ मिल गया तो सर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि बी में है। क्लियर। चलिए ये तो आपका इसका आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी है ये क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब क्लॉक से रिलेटेड है। तो क्लॉक में यहाँ पे कुछ मतलब कैलकुलेशन नहीं करना है, बस ये भी देखो घड़ी का जो सुई होता है ठीक है वो बस घूम रहा है कितना मिनट, बस 5 मिनट घूम रहा है, कितना, बस 5 मिनट। अब देखो कैसे घूम रहा है, पहले देखो यहाँ पे था, फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आया, कितना मिनट घूमा, 5 मिनट। फिर देखो यहाँ पे जब था तो यहाँ से घूम के यहाँ पे आया, तो ये 5 मिनट घूमा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है जो कि यहाँ पे इसको यहाँ पे रहना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। ये कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे आया है तो 5 मिनट घूमा है, तो जाहिर बात है यहाँ से कहाँ घूमेगा, यहाँ पे ठीक है, जो कि जो भी आपका ये 8:20 के टाइम पे आ जाएगा। तो कहाँ पे आपका ये जो बीस बी वाले में यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है, बात समझ में आई। फिगर को थोड़ा गौर करके देखो फिर आपको समझ में आएगा, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बाकी सभी में ये 5-5 मिनट जो है घूम रहा है, मतलब 5-5 मिनट टाइम बढ़ते जा रहा है ठीक है। और बाकी जो रही गाइज ये छोटी वाली सुई, तो छोटी वाली सुई को इग्नोर करो, क्यों इग्नोर करो, क्योंकि हमें बड़ी वाली सुई से पता चल जा रहा है कि बड़ी वाली सुई जो 5-5 मिनट जा रही है तो हमें छोटी वाली से क्या मतलब है, ये हमारा रूल यहाँ पे फॉलो कर जाता है और आपका आंसर भी बिल्कुल भी सही है ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए हमें इस वाले क्वेश्चन में जरा गौर से पहले आप लोग देख लो, ये इसमें भी क्या है बॉक्स है, इसमें कितने है? टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जो है त्रिभुज है इसके अंदर, 8 त्रिभुज है। क्लियर। इसके अंदर एक क्या डॉट मिलते हैं आपको, क्या डार्क पार्ट मिलता है इसका, मतलब पूरा कलर्ड किया हुआ, कलर किया हुआ है ठीक है। तो इसमें आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आपके आँख के सामने है। अब पूछो कैसे है, तो देखो हर एक क्वेश्चन में, देखो हर एक क्वेश्चन में क्या है ये डॉट वाला पार्ट और ये कलर किया हुआ पार्ट दोनों चिपका हुआ है एक दूसरे से। इसमें भी देखो ये दोनों भी एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब देखो कोई ऑप्शन ऐसा है क्या जिसमें ये दोनों सटे हुए हैं, बस ऑप्शन डी ही है जिसमें ये डॉट वाला और ये जो कलर किया हुआ पार्ट जो है बस चिपके हुए, बाकी सब में कुछ ना कुछ गैप दिया हुआ है, एक का गैप हो या फिर दो का गैप हो या फिर तीन का गैप हो, दिया हुआ वही डी आपका जो है एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया, बहुत कम टाइम में आपको आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ये देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका एक पूरा सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है बहुत सारे पार्ट में बांटे हुए, इसे त्रिभुज के टाइप में, मतलब ये त्रिभुज तो नहीं हुआ लेकिन ये पार्ट में बांटे हुए, ये त्रिभुज नहीं होगा ठीक है। तो ये अपने अपने पार्ट में बांटे हुए, फिर नेक्स्ट वाले में क्या किया जा रहा है, एक डॉट बढ़ाते जा, मतलब डॉट को बढ़ा रहा है, तो हमें डॉट से कोई मतलब नहीं है। क्यों डॉट से मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा 4-4 डॉट ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं, तो फिर बात क्या, मतलब इसका हमें कोई काम नहीं है अभी, इसे भूल जाओ। अब देखो जिस तरीके से इस पार्ट को मिटाया जा रहा है वो पहले देखो, अब ये मत गिनो कि कितना पार्ट मिटाया जा रहा है ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में आपको बहुत सिंपल सा आंसर दिया हुआ है ठीक है। देखो कितना भी पार्ट मिटा रहा है इसका, मिटाने के बाद ये जो एक ऐसे करके निकला हुआ छोड़ दे रहा है सर्कल के अंदर ठीक है। इसमें भी देखो पहले वाले में भी छोड़ा हुआ है, देखो इसमें भी ये छोड़ दिया है, फिर मिटाने के बाद ये ऑलरेडी छोड़ा है, फिर देखो इसमें भी कुछ छोड़ा है, ऑप्शन यही आपका ऐसा है जिसमें ये ऑलरेडी छोड़ा हुआ है ठीक है। तो बस कम दिमाग लगाओ, बहुत ही एकदम क्या बोलूँ कि बहुत शार्प माइंड वाले व्यक्ति जो है बहुत जल्दी पकड़ लेंगे इन सब आंसर्स को ठीक है। चलिए यह तो आपका आंसर मिल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक जो है आपका साइड है, यहाँ पे एक भुजा है, इसमें क्या दो है, मतलब ये किस तरीके से, इस तरीके से मुड़ते जा रहा है ठीक है, क्लॉकवाइज मुड़ते भी जा रहा है, एक साइड जोड़ने के बाद ये जो ऐसे रहता है ना, लेकिन ऑलरेडी ये क्या है इस तरीके से, मतलब कि मुड़ गया है थोड़ा सा, समझ में आ रहा है। अगर इसमें हम एक साइड जोड़ देते हैं, दो करते हैं, तो ये तो फिगर इसमें ऐसे बनना चाहिए था, तो ये क्लॉकवाइज थोड़ा सा मोड़ा गया है, जरूरी है तो फिर ऐसे करके मुड़ते जाएगा ऐसे, समझ में आ रहा है आपको बात को। अब देखो नेक्स्ट में तीन पार्ट जोड़ा तो ये थोड़ा सा फिर क्लॉकवाइज झुक गया, फिर इसमें भी चार पार्ट किया तो ये भी थोड़ा सा झुका। अब जाहिर सी बात है इसमें भी कोई अगर पार्ट जोड़ते हैं हम यहाँ पे, तो ये बिल्कुल भी ऐसा फिगर नहीं बनेगा, ये जो ऐसा बन रहा है ये नहीं बनेगा, क्यों भाई, क्योंकि इसे थोड़ा सा इसे घुमाया जाएगा, घुमाया जाएगा तो कैसा होगा, ये बिल्कुल भी क्या स्ट्रेट हो जाएगा ठीक है। और इसके बाद ये जो 5 फिगर हो जाएंगे इसमें, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बात समझ में आई। चलिए आई होप कि आपको समझ में आई होगी और आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद में आया होगा ठीक है। चलिए लाइक करना आपका काम है, अगर पसंद आता तो लाइक करो, नहीं पसंद आता तो फिर डिसलाइक करो है ना, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो जो है आपके काम लायक है कि नहीं ठीक है। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँ रखूँ या फिर इसे इतने पर एंड कर दिया जाए, या फिर ये जो 3 पार्ट काफ़ी है आपके लिए ठीक है, आप बोलो क्या आपका डिसीजन है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको और भी इसकी सीरीज स्टार्ट करा सकता हूँ, मतलब कंटिन्यू रख सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।